मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल जरई यूनिवर्सिटी में मुनक़िद जरई मेले में रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि यूपीए हुकूमत ने 10 बरसों की मुद्दतकार में स्वामीनाथन की रिपोर्ट को नाफिज नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी जरई बिल की मुसलसल मुखालिफत कर रही है, किसान तहरीक को भी इसी जज्बे से हिमायत दी जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसी भी मसले का हल तहरीक से नहीं बातचीत से ही निकलेगा। किसान जो है हमारे, उनकी आर्थिक हालत जो है वो खराब रही है, इसलिए कि बाजार की उनको सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यदि वो पुरानी व्यवस्था अच्छी थी तो मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से और यूपीए के लोगों से और जो उनके साथ आंदोलन, उनके सहयोगी आंदोलन को जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लोगों से, कि उनके 10 साल के यूपीए शासन में 2,30,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों किया और अपने को पेड़ों पर फांसी के फंदे लगा करके झूल गए थे, यह कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। दूसरा जो है वह उनके जमाने की जो एमएसपी थी उसकी रेट जो है वो 1400 रुपए के करीब थी, जिसको कि आज जो है 1925 रुपए के हिसाब से मोदी जी ने 5 साल के अंतराल पर बढ़ा करके किसानों को दिया और जितनी खरीदारी वो करते थे उसकी 2 गुना से भी ज्यादा खरीदारी मोदी सरकार ने किया है। बार बार प्रधानमंत्री जी के इस बात को कहने के बाद भी कि एमएसपी के आधार पर खरीदारी जारी रहेगी, फिर भी लोगों के भीतर झूठ और अफवाह फैला करके संशय जो पैदा किया जा रहा है, बार बार उनके द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है और कृषि मंत्री जी के द्वारा किया गया है कि इस पर किसी भी प्रकार के खेत का जो है वो सौदा नहीं होगा, न खेत का जो है वो कोई रजिस्ट्री या मॉर्गेज होगी, वह सिर्फ फसलों का एग्रीमेंट होगा और फसलों के एग्रीमेंट को जिस रेट से किसान तय करेगा उसी के हिसाब से जो है वो दूसरी पार्टी सेकेंड पार्टी खरीदारी करेगी, फिर गफलत कहां से रह जाती है। वहीं मेरठ में बीजेपी मगरबी इलाकाई दफ्तर में मेरठ कमिश्नरी के रुकन असेंबली, रुकन पार्लियामेंट और अहदेदारान की मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जरई कानून किसानों के फायदे के लिए बना है। किसान आज अपनी फसल को मुल्क में कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद किसानों के मफाद में काम करना है। गरीबों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए बैठकों का क्रम चलता रहता है। इसी बैठक में आदरणीय योगी जी, राज्य के मुख्यमंत्री, आज बैठक में आए थे, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, समस्याएं सुनी, उस समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिए हैं और बाकी दोनों तरफ से वार्ता हुआ और हम सब मिलकर, सरकार संगठन दोनों मिलकर गरीबों की सेवा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए, गांव गरीब की खुशहाली के लिए दोनों समर्पित हैं। किसान को कोई लूट न पावे, किसानों के हित में ही संगठन सरकार दोनों रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करें।